बाइक गिर गई। हाँ फाइनली धोते धोते कैसे भी पहुंच गए चांगला पास। There is it. अबे यहाँ से करो 100 किलोमीटर है करके, वहाँ से ले है 30 किलोमीटर, 30 या 35 किलोमीटर सब ले जाते हैं। अपने बस में तो वो बंदा है ही करके होटल वाला 7 सीट वाला, उसको फोन कर नेटवर्क मिला तो फोन करता हूँ भाई आ रहे वापस है। नहीं तो ले में स्टे कर रही है, ले से थोड़ा हम 50-60 किलोमीटर आगे मार दे रहे हैं आज। अगर गाड़ी की सर्विसिंग पहले हो गाड़ी की सर्विसिंग देखो अगर टाइम से हो जाती है 3 बजे तक पहले हो जाती है तो ले अगर अपन पहुंच जाते हैं 135 किलोमीटर 10 बजे निकलते 2-3 बजे तक भी अपन ले पहुंच जाते हैं गाड़ी की सर्विसिंग तुम्हारी समझ लो 1 घंटा मेरा भी काम रहेगा करके, तो मतलब 2 घंटा तो कहीं नहीं गया ही करके। 5 बजे अगर निकलते हैं करके तो भाई निकलना मतलब। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग लेक। तो कल मेरे बाइक में थोड़ा लोचा हो रहा था एंड ठंडी भी बढ़ती जा रही थी, मौसम ख़राब होते जा रहा था, इस करके हम लोग पैंगोंग लेक से निकले नहीं। और अभी हम लोगों ने सोचा है कि अभी हम लोग हानले और अपना दूसरा क्या है उनमिंगला पास, इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि बाइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और हम निकलेंगे यहाँ से सीधे लेह के लिए, और लेह में जाके सबसे पहले हम लोग लेह निकलेंगे या फिर लेह से ये एक दूसरा हम लोग करूँ भी जा सकते हैं, ले या करूँ में जहाँ पे भी हमें मैकेनिक मिलेगा हम सबसे पहले अपने बाइक का काम करवाएंगे, जो फर्स्ट गियर ले नहीं रही है बाइक है ना। बाइक का काम करवाने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे सीधा से, सीधा हम निकल जाएंगे मनाली के लिए। अगर देखो करूँ में मैकेनिक मिलता है तो करूँ में मैकेनिक से काम करवाने के बाद हम निकल जाएंगे उपसी के लिए, उपसी में स्टे करके नेक्स्ट डे हम निकल जाएंगे मनाली के लिए, क्योंकि उपसी में उपसी से मनाली रह जाएगा 400 समथिंग और वो ले मनाली हाईवे है तो वो बहुत प्यार से निकल जाएंगे अगर वेदर ने साथ दिया तो, और अगर नहीं वेदर ने साथ दिया तो मे भी एक दिन का और स्टे बढ़ सकता है। कल तक ये माउंटेन बिल्कुल क्लियर था, आज देखो बर्फ़ से भर चुका है, बर्फ़ से ढक रहा है, धीरे धीरे करके एक दो दिन में ये पूरा बर्फ़ से ढक जाएगा। तो वैसे निकल चुके हैं पैंगोंग लेक से लेक के लिए। अगर करू में अपना बाइक का काम हो जाता है तो उपसी साइड चले जाएंगे, अगर करू में बाइक का काम नहीं होता तो फिर ले जाएंगे, बाकी देखते हैं किधर जाने का है। बाय बाय पैंगोंग लेक यार, उनमिंगला रह गया मेरा, उमलिंगला पास छूट गया मेरा, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम करेंगे जब भी हिमालयन खरीदेंगे। तो इधर पे लौकिक भाई मिल गए अपने को, हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, नीरज भाई का वेट कर रहे हैं, जैसे नीरज भाई आएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे। और अपना बाइक का ठीक चल रहा है, और ऊपर देखो मौसम का अभी यहाँ पे कोई भरोसा नहीं, हम लोग जब भी निकलने का ट्राई कर रहे थे तभी बारिश हो जा रही थी, तो अभी मौसम पूरा खुला है तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी करके निकल गए। अभी टाइम हुआ है 9:30 और सामने देखो कल तक उस माउंटेन पे बर्फ़ नहीं थी, अभी बर्फ़ आ चुकी है। तो अभी ऑफ रोड मिलना चालू हो गया, कल गिरे थे इस करके बहुत आराम आराम से भी चला रहा हूँ मैं। कैमरा वॉज ऑफ, लौकिक भाई जस्ट फेल डाउन, उधर पे जा रहे हैं बाइक लेके, जाता हूँ उधर पे, उनका ब्रेक वगैरह टेढ़ा हो गया, खाली उस ब्रेक को सीधा करने का है अपने को, कुछ पेचकस है मेरे पास, बीच में मत लगाओ। बाइक गिर गई, हाँ लगा कहीं नहीं, ब्रेक टेढ़ा हो गया पूरा। हो जाएगा ये पड़ता है भाई राइडिंग शूज के कारण, है ना। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा वो स्टार्ट होने में, गिरा है ना।
हाँ हो रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम लद्दाख में आया बिना गिरे जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उसके मैं उसको वही समझा रहा था कल, स्लो चल रहा है भाई, गिरा बोले खड़े खड़े गिरा, तो वाले ने स्लोप पे रुका दिया। हां मेरी गाड़ी पीछे पीछे जा रही, मैंने छोड़ ही दिया, मारा नहीं इस साइड गिरते ना तो नीचे जाते। हाँ राइट में, बट ये ना उधर पे एक थे क्या थे जो स्लोप बना हुआ है ना, ये मैं तो रुक गया भाई, उठाओ मेरे को ऐसे सोने के लिए बेड पे जा रहा हूँ ऐसे इतना आराम से। पानी पी ले, पानी पी ले, गरम गरम पानी पी, इस करके बोलते हैं कि साथ में रहने का प्रॉब्लम होता है। लग रहा है ओके, ऑल सेट। लॉकी भाई आगे चले गए, अभी अपन भी धीरे धीरे निकलते करके। ओए ये दोनों साइड के क्या है ना, रेतीले माउंटेन है, मतलब बेसिकली मिट्टी और रेत वाले, तो ये सारा मिट्टी और रेत रोड पे आ गया जिस कारण लौकी भाई भी गिर गए थे एंड मैं भी बहुत समझ समझ के चला रहा हूँ। ये देख रहे हो पूरा मिट्टी के पहाड़, अभी हाथ पे ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी, मेरे इतने मोटे वाले ग्लव्स नहीं है ना ये, तो इसलिए थोड़े थोड़े ठंडी लग रही है। बाकी व्यू देखो यार, लद्दाख से हम कल या परसों निकल जाएंगे, मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बट क्या करें ऑफिस है और भी कुछ काम है तो ये करके जाना तो पड़ेगा ही। ये क्या है ना पूरा रेत रेत था, लेकिन अभी क्या है कि आज शायद थोड़ी सी बारिश वारिश हुई है जिस कारण से ये बैठ गया है पूरा मिट्टी, मतलब वो, और चलाने में आसानी हो रही है, चलाने में कोई दिक्कत हो नहीं रही है। वाह बहुत कचरा रोड है यार ये, हे क्या मस्त पिक्चर दे रहा है ना ये। तो गाइस अभी जाके थोड़ा सा तारकोल वाला इतना बढ़िया रोड मिला है, बाकी उससे पहले तो पैचेस में चला रहे थे। तो ये गांव है मुगलुप करके, मतलब पैंगोंग से आपका 20 किलोमीटर आगे आओगे तो एक छोटा सा गांव मिलेगा जब आप लेह साइड जाते हो, उस गांव का नाम है मुगलुप। फिर से पैचेस मिल गए हैं अपने, देखो कितने सारे बाइकर यहां पे रुके पड़े हैं। रुक जाओ, तो इधर से दो रास्ते कटते हैं ठीक है, अगर आप इधर की साइड जाओगे तो तांग से चले जाओगे और इधर की साइड जाओगे तो आप ले साइड जाओगे, तो हमें इधर की साइड जाने का है, तो खड़ू जाने के लिए हमें यही रास्ता लेना है जिस रास्ते से अपन कल आए थे। तो खरू यहाँ से रहता है 80 किलोमीटर और ले यहाँ से रह गया है मात्र 115 किलोमीटर। अगर अपना काम खरू में नहीं होता तो हम लोग ले निकल जाएंगे, ले में काम करवा के नाइट स्टे करके कल मनाली के लिए निकल जाएंगे। ले से मनाली का जो हाईवे है बहुत प्यारा है, ऑफ रोड वगैरह कुछ नहीं मिलने का उधर, तो हम बहुत प्यार से शाम के 7-8 बजे तक, अगर हम सुबह 6 बजे निकलते हैं तो मनाली पहुँच सकते हैं। तो नीरज भाई की चेन बहुत लूज हो गई है, वो दुर्भुक में काम अपना करवा सकते हैं, उनका चेन टाइट हो जाएगा, चेन लूप हो जाएगा, चेन क्लीन हो जाएगा, बट मेरे लिए खरू जाना पड़ेगा, अगर खरू नहीं कुछ हुआ तो ले जाना पड़ेगा, अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई कुछ सीखा, कुछ सीख लिए, काम हो जाएगा नहीं होगा, कर दो यार चलो ठीक है कोई नहीं यार, फर्स्ट गियर में नहीं जा रही खाली। नीरज भाई का काम हो रहा है चैन लूप चैन टाइट, हम लोग तब तक चाय पीते इधर पे ना, आप आओ
अभी हम नीचे उतर रहे हैं ना, तो बाइक कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही अभी फिलहाल तो। अभी बताए, अभी पता क्या हो गया, अभी मैक्सिमम टाइम फर्स्ट गियर में जा भी रही है। अरे फर्स्ट गियर तो मैंने बहुत लगाया भाई, मैं फर्स्ट गियर तो बहुत लगाया, वो मैच चला रहा हूँ ना, मुझे पता है ना। हाँ तो क्या फर्स्ट गियर में लग जाएगी गाड़ी, फर्स्ट गियर में लगने का लोड से क्या लेना देना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर गाड़ी को खड़ा कर दे कहीं पे भी तो लोड तो है ही नहीं, फिर फर्स्ट गियर में क्यों नहीं लग रही? तो अभी हम लोग हैं धुरकुट में, एक छोटा सा ब्रेक लिया, टी ब्रेक, और नीरज भाई उधर अपना चैन लुक करवा रहे हैं। और हम स्लो मोशन में गिरे थे, हम स्लो मोशन लेकिन उसका वीडियो होता तो मजा आ जाता। मैं कैमरा उस समय पे कैमरा ऑन नहीं था ना, मुझे क्या पता था। अपन क्या कर रहे थे पता, अपन रुकने वाले थे, मतलब चल थोड़ा आगे रुकते हैं।